गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास वन, आई एम अ कंप्यूटर टीचर सुनील सर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर सिक्स व्हिच इज़ कंप्यूटर कीबोर्ड। ओके, चैप्टर नंबर सिक्स कंप्यूटर कीबोर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड दिस इज द सिलेबस फॉर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन एंड आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर फाइव। ओके, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स व्हिच इज कंप्यूटर कीबोर्ड। ओके, and this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss number key, alphabet key, special keys, space bar key, enter key and backspace key. Okay, all these contents I am going to discuss in this video. So now move on to the main topic. So we know that a keyboard is a part of a computer. Okay, a keyboard is a part of a computer and it has many buttons. These buttons are known as keys. कि हम लोग जब भी कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है कि कीबोर्ड रहता है वहाँ पे। ओके, कीबोर्ड एक कंप्यूटर का पार्ट होता है। ओके, और जो कीबोर्ड होता है उस पर बहुत सारा बटन्स रहता है। उस बटन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। ओके, उस बटन्स को हम लोग कीज बोलते हैं। एक कीबोर्ड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। एक कीबोर्ड के अंदर बहुत सारा कीज रहता है। ओके, बहुत सारा कीज रहता है, जैसे कि नंबर कीज, अल्फाबेट कीज एंड स्पेशल कीज। ओके, वी कैन राइट ऑन द कंप्यूटर, वी कैन राइट ऑन ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ दिस कीज। हम लोग जब भी कंप्यूटर में कुछ भी अगर हम लोग काम करें तो हम लोग जब टाइप करना चाहते हैं तो वो जो कीज हो रहता है कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर, वो हम लोगों को हेल्प करता है टाइप करने के लिए। ओके, राइटिंग ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। हम लोग जो कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड को यूज़ करके जो हम लोग टाइप करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइपिंग बोलेंगे। ओके, ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दैट शोज वेयर द नेक्स्ट लेटर और नंबर विल बी अपियर इन द कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज कर्सर। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है, ये जो ऐसे करके लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्सर बोलेंगे। ये क्या होता है, ब्लिंकिंग करता है। ओके, ब्लिंक करता है। जब हम लोग कुछ भी लिखेंगे, जहाँ पे भी लिखेंगे कर्सर वहाँ पे प्रेस करना होता है और वो क्या होता है, ये जो लाइन होता है ब्लिंकिंग करता है। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्सर बोलेंगे। ओके, कर्सर बोलेंगे। नेक्स्ट इज नंबर की। द फर्स्ट की इज नंबर की। सो हियर यू कैन सी इन द कीबोर्ड, दिस इज द इमेज ऑफ ए कीबोर्ड एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कीज आर देयर। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द नंबर की पैड। ओके, दिस इज द नंबर की पैड एंड दिस इज ऑल्सो ए नंबर की पैड। ओके, 1 2 3 4 5 0 और यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, सो दीज आर द टू सेट्स ऑफ नंबर की। ओके, सो दिस की इज हैविंग नंबर 0 to 9। ओके, 0 to 9 रिटन ऑन द ऑन देम कॉल नंबर कीज। दिस कीज लेट अस टू टाइप द नंबर्स। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 से लेके 9 तक लिखा हुआ है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर की बोलेंगे। ओके, और ये किस लिए यूज़ होता है, हम लोग जब भी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी नंबर को लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ओके, देयर आर टू सेट्स ऑफ नंबर की। ओके, यहाँ पे दो सेट्स है नंबर की का, वन इज हेयर। ओके, एंड सेकेंड इज हेयर। ओके, सो देयर आर टू सेट्स ऑफ नंबर की ऑन द कीबोर्ड। सो देयर आर 20 नंबर कीज ऑन ए कीबोर्ड। ओके, सो 0 से लेके 9 तक यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, तो डैट मीन्स 20 नंबर्स की एक कीबोर्ड में रहता है। ओके, नेक्स्ट इज दे आर प्रेजेंट अबव द लेटर्स। ओके, दे आर फर्स्ट जो कीबोर्ड नंबर सेट्स है वो क्या होता है कि अल्फाबेट के ऊपर जो नंबर्स की रहता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये अल्फाबेट के ऊपर ये नंबर की है। ओके, एंड ऑल्सो ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, और ये है दूसरा दूसरा कीबोर्ड है। ओके, नंबर कीबोर्ड है। ओके, सो देयर आर टू सेट्स ऑफ कीबोर्ड एंड देयर आर 20 नंबर्स कीज ऑन ए कीबोर्ड। ओके, सो हम लोग जब भी कोई भी हम लोगों को कोई भी नंबर लिखने का ज़रूरत होता है तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अल्फाबेट कीबोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड टाइपराइटर इज लॉन्गेस्ट वर्ड दैट कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स फॉर्म ए सिंगल रो ऑन द कीबोर्ड। ओके, टाइप राइटर। ओके, नाउ कम्स टू द अल्फाबेट कीज। सो हेयर यू कैन सी इन द पिंकिश कलर कीज
is called the alphabet keys. Okay, here you can see Q, W, E, R, T, Y. So these are the alphabet keys. Okay, so the keys having alphabet A to Z. Okay, हम लोगों को पता है English alphabet में कितना alphabet रहता है, A to Z से लेकर 26 alphabet रहता है. Okay, written on them are called the alphabet key. That means ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे alphabet लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, alphabet keys बोलेंगे. Okay, दे आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन ए कीबोर्ड. हम लोग को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट रहता है. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी 26 ही होगा. ओके, नेक्स्ट इज दे हेल्प्स अस टू टाइप लेटर्स एंड वर्ड. हम लोग जब भी कुछ भी लेटर्स या कोई मान लिया किसी का नाम लिख रहे हैं, ओके, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे. ओके, हम लोग जब भी कुछ भी वर्ड हो गया या कुछ भी हो गया, हम लोग जब भी कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम लोग अल्फ़ाबेट कीज का यूज़ करेंगे. ओके, दे आर नॉट अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट जो लेटर है क्यू, नेक्स्ट इज डब्ल्यू, नेक्स्ट इज ई, नेक्स्ट इज आर, टी, वाई. ओके, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं. ओके, ये क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के ज़रिए लिखा नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल कीज. ओके, सो देयर आर सेवन स्पेशल कीज. ओके, सो दिस कीज दैट डू स्पेशल फंक्शन आर कॉल्ड स्पेशल कीज. दैट मीन जो की से हम लोग कोई भी स्पेशल कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल कीज का यूज़ करते हैं. ओके, स्पेशल कीज का यूज़ करते हैं. एंड हियर यू कैन सी देयर आर सेवन स्पेशल कीज. ओके, फर्स्ट इज स्पेस बार की, नेक्स्ट इज एंटर की, नेक्स्ट इज बैक स्पेस की, नेक्स्ट डिलीट की, कैप्स लॉक की एंड एरो कीज. ओके, सो हम लोग इस की से क्या कर सकते हैं, इन सब की से हम लोग कोई भी स्पेशल जो एक कोई भी स्पेसिफिक जो वर्क रहता है उसको हम लोग कर सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट स्पेशल की, व्हिच इज स्पेस बार की. ओके, सो हियर यू कैन सी द लॉन्गेस्ट की. ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द स्पेस बार की. ओके, सो दिस स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे जो लॉन्गेस्ट की है, ये जो सबसे जो लॉन्गेस्ट की है इसको हम लोग स्पेस बार की बोलेंगे. ओके, एंड इट इज़ यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. हम लोग जब भी कोई भी वर्ड लिखेंगे, कुछ भी अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पेस देना चाहते हैं. ओके, स्पेस, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, कीप लिखा हुआ है, उसके बाद स्माइलिंग लिखा हुआ है, बीच में एक गैप दिया गया है. ओके, ये गैप कौन से की से पर की से ये गैप दिया जाता है, इसको हम लोग स्पेस बोलते हैं. ओके, इसीलिए इसका नाम स्पेस बार की है. ओके, फॉर एग्जाम्पल टू टाइप कीप स्माइलिंग, टाइप कीप. ओके, कीप लिखने के बाद हम लोगों को प्रेस स्पेस बार की एंड देन टाइप द स्माइलिंग. जब भी हम लोग कोई भी वर्ड लिखेंगे उसके बीच में तो हम लोगों को स्पेस देना पड़ता है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये जो स्पेस बार की है इसको हम लोग प्रेस करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो स्पेशल की है एंटर की. द एंटर की इज यूज टू स्टार्ट द लाइन. हम लोग जब भी एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग जहाँ पे लिख रहे थे वो नेक्स्ट लाइन में वो कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, मूव कर जाएगा. ओके, एंड ए कीबोर्ड हैज़ टू एंटर की. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक एंटर की है और ये एक एंटर की है. ओके, देयर आर टू एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड. ओके, द एंटर की इज द शेप. आप अब यहाँ पे शेप भी देख सकते हो कैसे होता है एंटर की का शेप. ओके, सो ए कीबोर्ड हैज़ टू एंटर की. इन सम कीबोर्ड द एंटर की इज ऑफ द शेप ऑफ दिस. ओके, कुछ कुछ कीबोर्ड में ऐसे भी करके एंटर की को दिया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल टू टाइप व्हाट कीप स्माइलिंग ऑन डिफरेंट लाइन्स, टाइप कीप एंड देन प्रेस एंटर एंड देन टाइप स्माइलिंग. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे किस लिखा हुआ है, वो दो लाइन पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ये एंड सेकेंड लाइन ये. तब हम लोगों को क्या करना होगा, अगर दो लाइन पे लिखना होगा, हम लोगों ने कीप तो पहले लिख लिया, उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंटर को प्रेस करना पड़ेगा. एंटर प्रेस करते सेकेंड लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो की है बैक स्पेस की. ओके,
So backspace key, this is the backspace key on the keyboard. Okay, this is the backspace key. Okay, the backspace erase wrong letters or number if we make a mistake while typing. हम लोग तो कभी भी हम लोग अगर जब कुछ भी लिख रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर, जैसे कि हम लोग कॉपी बुक में लिखते हैं, तब हम लोगों को तो मिस्टेक होता है, वो हम लोग इरेजर से उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं. उसी तरह से कंप्यूटर में अगर हम लोगों ने कुछ गलती कर दिया, कुछ भी लेटर, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो हम लोग किससे रेक्टिफाई करेंगे उसको? बैकस्पेस की से हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे. ओके, इट हेल्प्स इज इरेजिंग द लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. ओके, इसको ध्यान में रखना है. लेफ्ट साइड, जब भी हम लोग कुछ भी इरेज करेंगे बैकस्पेस की से, वो क्या होगा? कर्सर के लेफ्ट साइड से ही इरेज होगा. ओके, लेफ्ट साइड से ही इरेज होगा, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्टेड टू टाइप द की द वर्ड मिस्टेक टू टाइप द लेटर एफ आफ्टर बी. ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कीबोर्ड लिखने के जगह कीबोर्ड उसके बी के बाद एफ लिख दिया है. ओके, एफ लिख दिया है, तो रिमूव द लेटर ऑफ एफ, प्लेस द कर्सर आफ्टर इट. हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एफ के बाद जो जो इस ब्लिंक था, इसको कर्सर बोला जाता है, उसको हमने प्लेस वहाँ पे प्लेस किया, एफ के बाद हमने प्लेस किया. उसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को? बैकस्पेस की को प्रेस करना होगा. बैकस्पेस की को प्रेस करने से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एफ जो लेटर था, एफ जो अल्फाबेट था, वो डिलीट हो गया है. ओके, उसके बाद जो स्पेलिंग मिस्टेक था वो रेक्टिफाई हो गया है. ओके, सो हम लोग क्या बैकस्पेस की से हम लोग कोई भी मिस्टेक को, हम लोग का जो मिस्टेक हुआ है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं. और बैकस्पेस की कर्सर के लेफ्ट साइड से ही जो अल्फाबेट होता है, लेटर होता है, उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं. ओके, लेफ्ट साइड से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक. बट आप लोगों को क्या करना होगा कि अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी तरह से बुक पढ़ना होगा. ओके, बुक पढ़ने के बाद ही आप लोग कौन सा की किस लिए यूज़ होता है, ओके, वो समझ में आएगा. सो टुडे आई एम एंडिंग माई डिस्कशन हेयर, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू द चैप्टर. ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू.